हमीरपुर में केंद्र सरकार के विरोध में जीटो कम्युनिस्ट पार्टी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर हमीरपुर बाजार में हाथों में थालियां बजाकर रोष प्रकट किया गया। जीटो के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर केंद्र सरकार के श्रम कानून में बदलाव के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर हमीरपुर में प्रदर्शन की अगुवाई की। गांधी चौक हमीरपुर में काफी देर तक सीटू कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मांगों को पूरा करने की मांग की। सीटू के राष्ट्रीय सचिव ठाकुर कश्मीर सिंह ने कहा कि श्रम कानूनों में बदलाव के विरोध में पूरे देश भर में आज सीटू के अलावा 11 विभिन्न संगठनों के लाखों लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और मजदूरों के द्वारा अपने हक के लिए गुहार लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मजदूरों की समस्याएं बढ़ती जाएंगी और मजदूरों को सुविधाओं को बदला गया है, जिससे मजदूरों का भविष्य अंधकारमय बन गया है। आज देश में प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार जो श्रम कानून में बदलाव कर दिया पिछले कल, उसमें आने वाले समय के अंदर मजदूरों के लिए अपने हक के लिए हड़ताल करना मुश्किल होगा। मजदूर हड़ताल करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे तो उस कानून में प्रावधान कर दिया गया कि आपको जेल भी होगी, जुर्माना भी होगा। आने वाले समय के अंदर मजदूर अपने अधिकार को, न्यूनतम वेतन को लेकर, किसी और मांग को लेकर हड़ताल करने से महरूम हो जाएगा और इसलिए मजदूरों को बंधुआ मजदूर से बदतर स्थिति में जीना पड़ेगा, ऐसा स्थिति है। दूसरा कानून बदल दिया जो सोशल सिक्योरिटी का था मजदूरों के लिए, सामाजिक सुरक्षा, जिसमें पेंशन है, जिसमें आपका ईपीएफ है, जिसमें और सुविधाएं, जो मेडिकल की सुविधाएं सारी थी, उसको भी सरकार ने बदल दिया। इस तरह का 8 घंटे के बजाय 12 घंटे का ड्यूटी कर दिया फैक्ट्रियों में, और ऐसा स्थिति जो है सरकार गैरकानूनी तरीके से कर रही है। फैक्ट्री एक्ट की सेक्शन 5 में लिखा हुआ है, आप आपात स्थिति में ही देश में और अंदरूनी और बाहरी कोई इमरजेंसी है उसी स्थिति में काम के घंटे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज नहीं बढ़ा सकते, और उसमें भी 3 महीने तक ही बढ़ा सकते हैं। और ये सरकार ना संविधान को मान रही है, ना किसी कानून को मान रही है, ना संसद को मान रही है, ना लोगों की आवाज़ को मान रही है, और इसलिए जो है आज लाखों लाखों मजदूरों को आज सड़कों पर आना पड़ा है। ठाकुर कश्मीर सिंह ने कहा कि उन्होंने सरकार से मांग की है कि मजदूरों के हित में कानून को बनाया जाए, क्योंकि देश के बड़े पूंजीपतियों के हित के लिए मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, जिसे सीटू कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई नहीं दिख रही है और 15 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लेकिन सरकार को केवल कंगना दिख रही है, मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है, निमन वर्ग पिस रहा है। उन्होंने कहा कि सबको इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ लड़ना होगा। क्या मांग है जो श्रम कानून बदलाव के, उसको रद्द करो सारे को, और जो मजदूरों के हित में जो कानून पहले से बने थे उसको और मजबूत करना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। फैक्ट्री एक्ट में संशोधन किए उसको रद्द करो सारे को, ये सारा देश के बड़े पूंजीपतियों के लिए किया जा रहा है और इसको हम कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस समय आप देखें, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना प्रदेश में ना देश में, उनको कंगना कंगना दिख रही है। कंगना के सिवाय उनको और वो राजपूत के सिवाय और कुछ दिखता नहीं है। उनको मजदूर नहीं दिखता, उनको महंगाई नहीं दिखती, उनको बेरोजगारी नहीं दिखती। 15 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई और आपके प्रेस के लोग तो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, बहुत सारे दफ्तर बंद हो गए, बहुत सारे लोगों को छुट्टी कर दिया गया। तो ये सारा प्रेस के लोगों पर हमला है, मजदूरों दूसरे मजदूरों पर भी हमला है। नरेगा में काम नहीं मिल रहे, 40,000 का कहते टैंक बनाओ, 40,000 में टैंक बनता नहीं है, नरेगा का काम लगता नहीं है, पूरी दिहाड़ी मिलती नहीं है, हर सेक्शन पर हमला है सुनियोजित तरीके से। इसलिए सबको इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा और सरकार को हटाना पड़ेगा।